सवाल, आपका सवाल है मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने का सवाल। बहुत जबरदस्त है, ये जा रही है लाइफ लाइन की तरफ। आप हमारी दोनों टीमें बराबर है, कौन से पूछते हैं जी, आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम आगे बढ़ी? तीन बिल्कुल सही है, हमारी पब्लिक को भी पानी पिला दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपके लिए भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपको खुशामदीद करते हैं हमारे रमजान इल्म के सेमीफाइनल में, भरपूर तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत सारे प्यार मोहब्बत, हमारी ऑडियंस का जो हमारा इतना साथ देती है, हमारे यूट्यूब चैनल का जहाँ पे हमें बहुत सारा भरपूर प्यार मिल रहा है, आपकी प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और जो लोग हमसे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन कर सकते हैं या हम भी आ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर एक बड़े पैमाने पे इसको करेंगे, इंशाल्लाह हमारा इरादा है, हमने सोचा है ऐसा इंशाल्लाह। तो अगर अगले साल कुछ भी ऐसा हुआ तो हम आप सबको भी अपने साथ शरीक करेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी इंटरेस्टेड हो हमें जरूर बताएगा, हमसे कॉन्टेक्ट करेगा और कॉमेंट्स में बताते रहे कर क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जो फाइनल में जानी चाहिए। अभी सेमीफाइनल है, आज सेमीफाइनल में चार टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं, अभी आपको मिलवाएंगे हमारी टीम से। तो चार टीम्स मौजूद हैं, आज हमारे साथ है जी पाकोला, और ये हमारे साथ है कोला नेक्स्ट, और ये हमारा बहुत मन पसंदीदा बिस्किट चॉकलेट हो हमारे साथ है, क्योंकि आज है सेमीफाइनल, गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है, कंटेस्टेंट बहुत टेंशन में आएंगे, तो ये सब उनके लिए एहतमाम किया गया है आज हमारी तरफ से। तो खुशामदीद करते हैं आपको, और अभी हम पर्चियां उड़ाएंगे और उसके बाद पता चलेगा आज कौन सी दो टीम्स पहले मैच खेलेंगी। तो भरपूर तालियां होनी चाहिए। चले जी अब हम लोग अपनी पर्चियों को उड़ाते हैं और देखते हैं आज हमारे साथ पहली कौन सी दो टीम्स खेलने वाली हैं सेमीफाइनल। तो आज हमारे साथ हैं आपके और हम सबके चहीते अजलान, और ये आज उठाएंगे पर्ची आपके सामने। तो अजलान चलें भाई, एक पर्ची उठा लें जल्दी से दिखाएं। देखते हैं जी अजलान ने आज किसका नाम लिया है पहले, तो देखते हैं अनिश फहद। अजलान आओ जी, अब एक और पर्ची उठाते हैं और देखते हैं जी अब किसका नाम आता है, मतलब अनिश और फहद के साथ कौन सी टीम खेलेगी। तो देखते हैं अजलान ने किसको चूज किया है, हमारी जो कंटेस्टेंट है उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज है, तो देखते हैं जी किसका नाम आने वाला है। बिस्मिल्लाह रमशान हफ्सा। जी आज का हमारा मैच होने वाला है उज्मा आतिका नजमा और बुशरा के बीच में, दूसरा मैच होगा अनिश फहद रमशा और हफ्सा के बीच में। तो भरपूर तालियां। जी हमारे कंटेस्टेंट अभी आ रहे हैं, कुछ कंटेस्टेंट हमारे रह गए, तब तक पीते हैं कुछ ठंडी ठंडी पाकोला, मैं और अजलान थोड़ा एंजॉय करते हैं। पाकोला पियेंगे अजलान? चले जी हमारा सबसे फेवरेट हमारी पाकिस्तानी पाकोला, तो ये थोड़ी अजलान पियेंगे और थोड़ी पीऊंगी मैं, ताकि हमारा भी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाए पाकोला पी के, क्योंकि बहुत से सवाल करने हैं, बहुत से जवाब सुनने हैं, बहुत सी टीमों के साथ खेलना है, तो पीते हैं। अब हमारे रमजान इल्म का आज सेकंड लास्ट डे है और आज है सेमीफाइनल, कशमकश बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, टेंशन में है हमारे कंटेस्टेंट्स के आज फाइनल में कौन पहुंचेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे हाजी भाई, फिर से माशाल्लाह बहुत फोर तालियां हाजी भाई के लिए। वालेकुम हाजी भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र।
चलें तैयार हैं आज माशाल्लाह बिल्कुल। आज सेमीफाइनल हो रहा है, आखिरी से पहले का गेम है, देखते हैं कौन जीतता है। आपने भरपूर साथ देना है हमारी इंशाल्लाह। चलें जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं, अपनी सबसे पहली टीम को बुलाते हैं जो है उज्मा और आतिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक ठाक हैं दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तारीफें हुई हैं, लोगों ने बड़ा पसंद किया है आपके गेम को माशाल्लाह। हमारी आवाम को थैंक यू कर दें, बहुत पसंद किया है उस्मा बाजी और आतिका का गेम माशाल्लाह से। तो तैयार है आज सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह फाइनल में जाना है अब इंशाल्लाह। चलें तशरीफ रखें, बुलवाते हैं अपनी दूसरी टीम को जो है नजमा और बुशरा। भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तैयार हैं खेलने के लिए? सेमीफाइनल है, टेंशन क्या है आज आपकी? टेंशन है भाई, आज ज्यादा टेंशन है क्योंकि फाइनल में हर कोई पहुंचना चाहता है। तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, टीम थोड़ी टफ है आपके साथ लेकिन कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। चले तशरीफ रखो, भरपूर तालियों के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चले जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सबसे पहला सवाल करते हैं उज्मा और आतिका से जो है हमारी टीम ए। तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल। चले जी आपका पहला सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। सवाल है किस जगह मरने वाले की रूह अल्लाह पाक खुद कब्ज करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए आग में मरने वाले की, ऑप्शन नंबर बी बीमार की, ऑप्शन नंबर सी समंदर के शहीद की, ऑप्शन नंबर डी हादसे में मरने वाले की। आपका वक्त शुरू होता है अब। चले जी हमारी टीम ए से पहला सवाल कर लिया गया है, देखते हैं क्या जवाब मिलता है आज हमें अपनी टीम ए की तरफ से। सेमीफाइनल है और देखते हैं आज कौन सी टीम अपने नसीब के साथ फाइनल की तरफ जाएगी। मशवरा चल रहा है, आपका वक्त खत्म होने में 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9 समंदर के शहीद की। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह आज तो भाई प्रोग्राम का आगाज ही बड़ा अच्छा हुआ, टीम ए ने अपना पहला ही सवाल बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है माशाल्लाह। दूसरा पहला सवाल है आप लोगों से, तैयार हैं आप दोनों? चले जी सवाल करते हैं, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। इस जगह का नाम बताएं जहां पर नमाज पढ़ने की फजीलत ऐसी है जैसे कि खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मकाम इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी हतीम, ऑप्शन नंबर सी मस्जिद आयशा, ऑप्शन नंबर डी हरम पाक में। आपका वक्त शुरू होता है अब। सवाल रिपीट करते हैं, इस जगह का नाम बताएं जहां पर नमाज पढ़ने की फजीलत ऐसी है जैसे कि खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ना। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मकाम इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी हतीम, ऑप्शन नंबर सी मस्जिद आयशा, ऑप्शन नंबर डी हरम पाक में। देखते हैं जी आपके गलत जवाब है, सही जवाब है हतीम में। अब हम लोग अपनी टीम ए की तरफ वापस जाते हैं और टीम ए से करते हैं दूसरा सवाल। टीम ए आपका सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को किस गजबा में शेर खुदा का लकब मिला? आपके ऑप्शन है गजबाए बदर, गजबाए ओहद, गजबाए खैबर, गजबाए तबूक। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी क्या मिलता है आपका वक्त? गलत जवाब है, सही जवाब गजबाए तबूक। बी से करते हैं दूसरा सवाल, पॉइंट्स की तरफ जरा नजर डालेंगे। टीम ए के पॉइंट है 1 और टीम बी के पॉइंट है 0। तो चलते हैं अब इनसे करते हैं इनका दूसरा सवाल, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, पहले इस्लामी सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुभान अल्लाह, ऑप्शन नंबर बी अल्लाह अकबर, ऑप्शन नंबर सी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑप्शन नंबर डी कुल हु अल्लाह अहद। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शंस हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल हु अल्लाह अहद। सुभान अल्लाह,
गलत जवाब और सही जवाब है कुल्लू अल्लाह अहद। टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से करते हैं तीसरा सवाल। आपका तीसरा सवाल है, सवाल को गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला किस इंसान से ताल्लुक नहीं तोड़ता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्म दिल इंसान, ऑप्शन नंबर बी सखी इंसान, ऑप्शन नंबर सी सदका देने वाला, ऑप्शन नंबर डी सच बोलने वाला। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, क्या जवाब मिलता है हमें? हमारी ऑडियंस खूब मशवरे करती रहती है, साथ साथ चलती रहती है हमारी ऑडियंस। हर सवाल के बाद खूब एक मशवरा हमारी ऑडियंस के बीच में चलता है और वही जीतता है जिसका सही जवाब होता है। तो अभी देखते हैं। जी, आप भी जरूर बताया करें कि आपने कितने सवालों के जवाब दिए हमारे साथ साथ। हमारी 10 सेकंड्स का वक्त रहता है। 10 सखी, बिल्कुल सही जवाब। टीम बी से करते हैं तीसरा सवाल। आपका सवाल है, सवाल को जरिया गौर से सुनिएगा। सवाल है, फिरौन के घर में किसकी परवरिश हुई थी? आपके ऑप्शन है हजरत नूह, ऑप्शन नंबर बी हजरत मूसा, ऑप्शन नंबर सी हजरत ईसा, ऑप्शन नंबर डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या जवाब मिलता है इस बहुत बच्चे वाले क्वेश्चन का, जो हमारी आवाम को लगता है बहुत आसान है, लेकिन टीम जरा टेंशन में पड़ गई है। रिपीट करते हैं सवाल को। फिरौन के घर में किसकी परवरिश हुई थी? हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। वक्त रह गया है 10 सेकंड का। 10 लाइफ लाइन की तरफ जा रहे हैं। वक्त को रोक दिया जाए, लाइफ लाइन की तरफ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन रिपीट करते हैं। हजरत नूह अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम। बिल्कुल सही जवाब। चले जी, टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए से चौथा सवाल है। सवाल जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, तूफान नूह कितने अरसे तक रहा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 140 दिन, 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं जी, ऑप्शन नंबर टीम ए से हमें क्या आंसर मिलता है। और यहाँ पे आप जरा हमारे नंबर पे गौर करें। 140 दिन। गलत जवाब और सही जवाब 150 दिन। जी, आज जरा हम अपनी आवाम की तरफ भी बढ़ेंगे और आवाम से करेंगे एक सवाल। देखते हैं आवाम क्या जवाब देती है, जो आवाम पीछे बैठ के बहुत टेंशन में रहती है और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। तो देखते हैं, सवाल पूछेंगे, जिसको आता हो अपना हाथ उठाएगा, माइक उसको देंगे और वही जवाब देगा। तो जरा हमारी आवाम गौर से सुनेगा सवाल। आपका सवाल है, मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का है? तो हमारी एक ऑडियंस ने हाथ उठाया है, तो देते हैं उनको माइक। आपके ऑप्शन भी, ऑप्शन सुनना चाहिए। 1 लाख नमाज। बहुत जबरदस्त, बहुत होशियार ऑडियंस बैठी है माशाल्लाह। हमारी में 50,000, मस्जिद अक्सा में 50,000। हमारी तरफ से एक चॉकलेट और बिस्किट। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी की जाने बढ़ने से पहले हम जरा अपना स्कोर दिखाएंगे। टीम ए का स्कोर है 2 पॉइंट्स पे है और टीम बी 1 पॉइंट पे है। टीम बी से हमारा चौथा सवाल है। आपका सवाल जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले अरबी बोलने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं हजरत मिकाइल अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर बी हजरत इजराइल अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर सी हजरत इसराफील अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर डी हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या है, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सबसे पहले अरबी जबान बोलने वाले कौन हैं? हमारे ऑप्शन है हजरत मिकाइल अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर बी हजरत इजराइल अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर सी हजरत इसराफील अलैहि सलाम, ऑप्शन नंबर डी हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। 10 लाइफ लाइन की तरफ जाना चाहती है हमारी टीम बी। वक्त को रोक दिया जाए। आपके पास 3 लाइफ लाइन का ऑप्शन है, एक 50-50, एक हमारी मेन सोर्स और एक फोन कॉल या ऑडियंस की तरफ आप जा सकती हैं। आप कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगी? मेन सोर्स की तरफ जाना चाहती हैं आप? चलें जी, मेन सोर्स की तरफ जाते हैं। अजी भाई, आपकी तरफ आई है हमारी टीम बी। पहली लाइफ लाइन इन्होंने यूज कर ली है और वो आपकी तरफ आए हैं। आपसे सवाल है, सबसे पहले अरबी जबान बोलने वाले कौन है?
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत मिकाइल, ऑप्शन नंबर बी हजरत इजराइल, ऑप्शन नंबर सी हजरत इसराफिल, ऑप्शन नंबर डी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आप इनको किस मशवरे की तरफ लेकर जाना चाहेंगे? ठीक है, बिल्कुल गलत जवाब। टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से करते हैं पांचवा सवाल। आपको थोड़ा वक्त दे दिया था, हम अपनी आवाम की तरफ चले गए थे। आपका सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होता? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन नंबर बी हजरत उमर फारूक, ऑप्शन नंबर सी हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन नंबर डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है, अब देखते हैं जी क्या जवाब। हजरत उमर फारूक। बिल्कुल, टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से है पांचवा सवाल। आपका सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, क्या रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज है? आपके ऑप्शन है, जायज है, जायज नहीं है, मकरूह है, मना है। आपका वक्त शुरू होता है अब, देखते हैं जी टीम बी की तरफ से हमें क्या जवाब मिलता है। टीम बी अपनी एक लाइफ लाइन यूज कर चुकी है और टीम ए ने अभी तक अपनी कोई भी लाइफ लाइन यूज नहीं की है। जायज है, बिल्कुल गलत जवाब। अब बढ़ते हैं टीम ए से करते हैं छठा सवाल। आपका सवाल है, सवाल को गौर से सुनिएगा। किस खलीफा की मौत पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम रोए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन नंबर बी हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन नंबर सी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ऑप्शन नंबर डी हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपका वक्त शुरू होता है अब, देखते हैं जी क्या आंसर मिलता है। हम जरा अपने स्कोर की तरफ जाएंगे और लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन की तरफ जाना चाहती है टीम ए और हमारा वक्त रोक दिया जाए। ए जा रही है लाइफ लाइन की तरफ। आप अपनी पहली लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है लाइफ लाइन के, एक मेन सोर्स है, एक फोन कॉल और ऑडियंस है, और एक 50-50 है। किसकी तरफ जाना चाहेंगे? मेन सोर्स। मेन सोर्स की तरफ जाना चाहेंगे। मेन सोर्स हाजी भाई की तरफ जाना चाहती है हमारी लाइफ लाइन। हमारी इन्होंने हमारी टीम ए ने पहली लाइफ लाइन ली और पहली लाइफ लाइन लेना चाहते हैं ये लोग हाजी भाई से। चले जी पूछते हैं हाजी साहब से। हाजी साहब सवाल है, हमारी टीम ए आपकी तरफ आई है और सवाल है, किस खलीफा की मौत पर मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम रोए थे? आपके ऑप्शन है हजरत अली, ऑप्शन नंबर बी हजरत उस्मान, ऑप्शन नंबर सी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ऑप्शन नंबर डी हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप अपनी टीम को किस तरफ ले जाना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ऑप्शन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। बढ़ते हैं टीम बी से है छठा सवाल। सवाल को जरा सब गौर से सुनिएगा। सवाल है, कौन सी सूरत फिक्र फाका से बचाती है? आपके ऑप्शन है सूरह वाकिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बिना ऑप्शन सुने सुभान अल्लाह, बहुत ही मुश्किल सवाल था, आसान सवाल नहीं था, लेकिन जवाब बहुत फौरन मिला, सुभान अल्लाह। ज्यादा तो मजे की बात आज ये चल रही है कि आज हमारी दोनों टीमें बराबर हैं। जरा हम लोग अवाम की तरफ चलते हैं, अवाम से पूछते हैं, जी आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम आगे बढ़ेगी? जिस तरह का स्कोर चल रहा है, आप उजमा नजमा और बुशरा, आपको भी टीम बी लगती है, आप क्या बताएंगी? टीम बी लगती है, आपको क्या लगता है? टीम ए लगता है, आपको क्या लगता है? ये तो हमारे साथ आगे खेलने वाले हैं तो इनसे नहीं पूछेंगे, आपको क्या लगता है? दोनों के साथ दुआएं हैं इंशाल्लाह। आज हमारी टीम साथ साथ चल रही है तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। जिसका नसीब होगा वो जीत के जाएगा, क्योंकि आज जो स्कोर चल रहा है बहुत बराबर चल रहा है। चले जी टीम ए से करते हैं इनका सातवां सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लंबा रुकू करने वाला, ऑप्शन नंबर बी लंबा सजदा करने वाला, ऑप्शन नंबर सी लंबा कयाम करने वाला, ऑप्शन नंबर डी लंबी तिलावत करने वाला। आपका वक्त शुरू होता है अब,
टेन नाइन, वक्त खत्म होने में 8 सेकंड बाकी है, 8 7 6। लंबा सजदा करने वाला, गलत जवाब, लंबा कयाम करने वाला। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से हमारा 7वां सवाल है। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, अब तक कितने पैगंबर आसमान पर जिंदा उठाए गए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं जी टीम बी की तरफ से क्या जवाब मिलता है। दोनों टीम्स बिल्कुल एक। आप अब तक कितने पैगंबर आसमान पर जिंदा उठाए गए? आपके ऑप्शन है 3 5 7 9। 3। बिल्कुल गलत जवाब है। सवाल नंबर 8, और आपका सवाल जरा गौर से सुनिएगा। कौन सा तेल लगाने के बाद शैतान 40 रात तक इंसान के पास नहीं आता? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नारियल का, ऑप्शन नंबर बी जैतून का, ऑप्शन नंबर सी सरसों का, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का तेल। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या जवाब मिलता है हमें? क्या जैतून। बिल्कुल गलत जवाब। फिर से ऑडियंस की तरफ चलते हैं और ऑडियंस से पूछते हैं एक और सवाल। देखते हैं ऑडियंस आज हमें क्या क्या जवाब देती है। ऑडियंस से सवाल है, सवाल को गौर से सुनिएगा सब लोग। नमाज जुम्मा के लिए इमाम के अलावा कम से कम कितने अफराद का होना जरूरी है? आपके ऑप्शन है 11 7 5 3। आपका वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अनस भाई को हमारी तरफ से एक बिस्किट मिलता है। अपनी टीम बी से करते हैं 8वां सवाल। आपका सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। हजरत ईसा अलैह सलाम का नुजूल किस शहर में होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इराक में, ऑप्शन नंबर बी दमिश्क में, ऑप्शन नंबर सी मिस्र में, ऑप्शन नंबर सी फलस्तीन में। आपका वक्त शुरू होता है अब। फलस्तीन में। गलत जवाब, दमिश्क में। चलते हैं जी एक छोटे से चाय के ब्रेक पे। छोटे से चाय के ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारी नशीद में आपका खुशामदीद करते हैं। रमजान तालियां। चले जी, हम लोग कहां छोड़ के गए थे? अपनी टीम ए को छोड़ के गए थे 9वें सवाल पे। 9वां सवाल करते हैं टीम ए से। जरा सवाल को गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 नब्बे, ऑप्शन नंबर बी 3 नब्बे, ऑप्शन नंबर सी 5 नब्बे, ऑप्शन नंबर डी 7 नब्बे। आपका वक्त शुरू होता है अब। ब्रेक के बाद वापसी आए हैं और स्कोर दिखाएंगे जरा। 5 और 5 पे है हमारी दोनों टीम्स, और देखते हैं इसके बाद हमें क्या जवाब मिलता है। 9वां सवाल चल रहा है टीम ए से। देखते हैं क्या। 10 सेकंड रहते हैं आपके पास। 10 9 8। अच्छा, मैं लाइफलाइन इस्तेमाल, लाइफलाइन की तरफ जाना चाहती है हमारी टीम ए, तो वक्त को जरा रोक दिया जाए। लाइफलाइन की तरफ चलेंगे। आपके पास 2 लाइफलाइन मौजूद हैं। एक है ऑडियंस या फोन कॉल, दूसरी 50-50 की तरफ आप जा सकते हैं। आप कौन सी लाइफलाइन यूज करना चाहेंगी? फोन कॉल। फोन कॉल करना चाहेंगी? आप किसको फोन कॉल करना चाहेंगी? नहीं नहीं सॉरी, ऑडियंस। ऑडियंस की तरफ जाना चाहेंगी? चले ऑडियंस की तरफ लेके चलते हैं इनको। तो ऑडियंस में आप किसकी तरफ जाना चाहेंगी? रोजीना चाची की तरफ जाना चाहेंगी। रोजीना चाची, आपकी तरफ आई है हमारी टीम ए। हमारा सवाल है आपसे, टीम ए आप लोगों की तरफ आई है, ऑडियंस की तरफ आई है हमारी टीम ए। तो
सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। चांद के दो टुकड़े होने का वाकया कब पेश आया? आपके ऑप्शन है 2 नब्बे, ऑप्शन नंबर बी 3 नब्बे, ऑप्शन नंबर सी 5 नब्बे, ऑप्शन नंबर डी 7 नब्बे। आपका जवाब क्या होगा, क्या मशवरा देना चाहेंगे? यहाँ पे ऑडियंस से मशवरा चल रहा है, देखते हैं ऑडियंस इनको, हमारी टीम ए को किस तरफ ले जाती है। अगर सही जवाब आया तो बिल्कुल टीम बी से करते हैं नवा सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा, सब लोग सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल है आपका, किस नबी की कौम बादल के करकने की आवाज से हलाक हो गई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत नूह, ऑप्शन नंबर बी हजरत मूसा, ऑप्शन नंबर सी हजरत सोले, ऑप्शन नंबर डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब, देखते हैं जी हमारे ऑप्शंस रिपीट करते हैं। हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत सोले, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। देखते हैं जी क्या जवाब मिलता है हमें अपनी टीम बी की तरफ से। अभी स्कोर देखेंगे, स्कोर है टीम ए 6 पॉइंट्स पे है और टीम बी 5 पॉइंट्स पे है। देखते हैं जी क्या जवाब मिलता है हमें अपनी टीम बी की तरफ। 50-50 की तरफ जाने चाहते हैं, वक्त को रोक दिया जाए, लाइफ लाइन की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी दूसरी लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं अपने नवे सवाल पे, तो 50-50 की तरफ जाना चाहेंगे। सवाल मैं वापसी रिपीट करूंगी। सवाल है, किस नबी की कौम बादल के कड़कने की आवाज से हलाक हो गई थी? आपके ऑप्शन है हजरत दाऊद, ऑप्शन नंबर बी हजरत सोले। आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत सोले, बिल्कुल बहुत टफ जा रहा है। ये हमारे अभी तक के सबसे बेहतरीन मुकाबला हो रहा है जिसमें हमारी दोनों टीम बराबर पे हैं। आप देख सकते हैं 6-6 पॉइंट्स पे चल रही है हमारी दोनों टीम। टीम ए से है 10वां सवाल। सवाल को गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, सबसे पहले कुरान मजीद जमा करने का काम किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत उमर फारूक, ऑप्शन नंबर बी हजरत उस्मान, ऑप्शन नंबर सी हजरत अबू बकर, ऑप्शन नंबर डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका बख्श होता है अब। हजरत उस्मान गनी, गलत जवाब, और हजरत अबू बकर सिद्दीक सही जवाब है। बी की तरफ बढ़ते हैं, टीम बी से करते हैं 10वां सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा सब। आपका सवाल है, वो कौन से नबी है जो जिंदा ही जन्नत में चले गए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत याकूब, ऑप्शन नंबर बी हजरत मूसा, ऑप्शन नंबर सी हजरत इदरीस, ऑप्शन नंबर डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या जवाब मिलता है? 6-6 पॉइंट्स पे चली गई है हमारी दोनों टीम्स। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। वो कौन से नबी हैं जो जिंदा ही जन्नत में चले गए? आपके ऑप्शन है हजरत याकूब, हजरत मूसा, हजरत इदरीस, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। देखते हैं जी क्या जवाब मिलता है। 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गलत जवाब, और सही जवाब है इदरीस अलैहिस्सलाम। टीम ए की तरफ बढ़ते हैं, टीम ए से करते हैं 11वां सवाल। सवाल को गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, हौसे कौसर कयामत के दिन किस जगह लाया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए दमिश्क में, ऑप्शन नंबर बी मिस्र में, ऑप्शन नंबर सी मैदान मैशर में, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब में। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी क्या जवाब मिलता है? दोनों टीम्स अपनी एक एक लाइफ लाइन यूज कर चुकी हैं और दो लाइफ लाइन यूज कर चुकी हैं आप। दोनों टीम के पास सिर्फ एक एक लाइफ लाइन बाकी है, तो देखते हैं कहां जाते हैं। 11वें सवाल पे है हमारी टीम ए। टीम ए के बचते हैं उसके बाद 4 सवाल। 10, मैदान मैशर में, बिल्कुल गलत जवाब। चले जी टीम बी की तरफ चलते हैं, टीम बी से करते हैं 11वां सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जिनके ईमान लाने पर आसमान के फरिश्ते भी खुश हुए थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन नंबर बी हजरत उमर फारूक, ऑप्शन नंबर सी हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन नंबर डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस जगह पे बैठता है उसकी टेंशन और कश्मकश कुछ अलग होती है। ऑप्शन रिपीट करते हैं, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन नंबर बी हजरत उमर फारूक, ऑप्शन नंबर सी हजरत उस्मान, ऑप्शन नंबर डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु।
आपके पास 10 सेकंड का वक्त बाकी है। क्या बोले थे आपने? हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली। हजरत अबू बकर। गलत जवाब, सही होगा हजरत उमर फारूक। जी टीम ए से करते हैं बारवां सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, आटे की चक्की सबसे पहले किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हजरत याकूब, ऑप्शन नंबर बी हजरत यूसुफ, ऑप्शन नंबर सी हजरत सुलेमान, ऑप्शन नंबर डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। हमारी टीम्स के स्कोर आप देख सकते हैं, टीम ए है 7 पॉइंट्स पे और टीम बी है 6 पॉइंट्स पे। बारवां सवाल है टीम ए से, देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। ऑडियंस भरपूर हमारा साथ दे रही है माशाल्लाह, तो देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें अपनी टीम ए से। मशवरा चल रहा है, सोचों में गए हुए हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है आखिर हमें। हजरत इदरीस। गलत जवाब, और सही जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बी से इनका बारवां सवाल। सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा, कुरान पाक की कौन सी सूरत फलों के नामों से शुरू होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सूरह निसा, ऑप्शन नंबर बी सूरह इमरान, ऑप्शन नंबर सी सूरह तीन, ऑप्शन नंबर डी सूरह हुद। सूरह तीन। बिल्कुल सही जवाब। जी टीम ए से करते हैं 13वां सवाल। 13वें सवाल की जानिब बढ़ने से पहले आपको दिखाएंगे स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड देख सकते हैं आप लोग, आज हमारी दोनों टीम बराबर में चल रही है। मैच कहीं टाई ना हो जाए और एक सवाल एक्स्ट्रा ना हो जाए। भरपूर तालियां चल रही है आवाम की। चले जी टीम ए तैयार है आप लोग। आप लोग, नजीउल्लाह किस नबी का लकब है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हजरत इब्राहिम, ऑप्शन नंबर बी हजरत नूह, ऑप्शन नंबर सी हजरत याकूब, ऑप्शन नंबर डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं जी, मशवरा चल रहा है, मैच बहुत कश्मकश में है, कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक चल रहा है। ऑप्शन रिपीट करते हैं। ऑप्शन है हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत याकूब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी हैं, 10 सेकंड्स बाकी रह गए हैं। 10, 9, 8, 7, 6। हजरत नू। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से है 13वां सवाल। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा आप लोग। सवाल है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीर, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी जुमेरात। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं जी क्या जवाब मिलता है हमें टीम बी की तरफ से। ऑप्शंस रिपीट करते हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। मंगल। बिल्कुल सही जवाब। जी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हमारी आवाम से फिर से पूछेंगे जरा कि क्या लगता है कौन सी टीम जाने वाली है आज फाइनल की तरफ। तो आपसे सबसे पहले पूछते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जाएगी? क्या लग रहा है? टीम दोनों 8-8 पॉइंट्स पे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन है। जो मेहनत करे, मेहनत माशाल्लाह दोनों ही टीम्स करके आई हैं। आप क्या बोलेंगे, क्या किसके साथ जाना चाहेंगे? जो जीते। चले जी देखते हैं आप लोग क्या कहना चाहेंगे। किस? मैं तो अभी तक ए के साथ ही। ए के साथ है नाजिया, ए के साथ ही चल रही है। बाकी देखते हैं किस तरफ जाती है हमारी टीम और कौन सी टीम जीतती है। चले जी सवाल करते हैं अपनी टीम ए से। टीम ए से है 14वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सवाल है आपका, जरा गौर से सुनिएगा, नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाई ने, ऑप्शन नंबर बी बेटे ने, ऑप्शन नंबर सी बेटी ने, ऑप्शन नंबर डी बहन ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। लाइफलाइन। लाइफलाइन की तरफ जाना चाहती है हमारी टीम ए। इनकी एक ही लाइफलाइन बाकी है जो है 50-50। तो आपका सवाल रिपीट होगा और ऑप्शंस आपके दो हो जाएंगे। वक्त आपका फिर से शुरू होगा। सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए
बहन ने, ऑप्शन नंबर बी बेटी ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी क्या जवाब मिलता है देखते हैं। जी देखते हैं। टेंशन बहुत ज्यादा है। सवाल वक्त खत्म होने में 10 सेकंड्स रहते हैं। 10, 9 बेटी ने। बिल्कुल सही जवाब। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपका सवाल है, सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल है, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए कोहे तूर, ऑप्शन नंबर बी जबले नूर, ऑप्शन नंबर सी जबले अहद, ऑप्शन नंबर डी जबले खंदेमा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सवाल रिपीट करते हैं, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबियाए कराम की कब्रें हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोहे तूर, ऑप्शन नंबर बी जबले नूर, ऑप्शन नंबर सी जबले अहद, ऑप्शन नंबर डी जबले खंदेमा। लाइफ लाइन की तरफ जाना चाहती है टीम बी। वक्त को रोक दिया जाए। चले जी टीम बी चलती है। आपकी एक लास्ट लाइफ लाइन रह चुकी है। आप फोन कॉल या ऑडियंस की तरफ जा सकते हैं। ऑडियंस की तरफ जाना चाहेंगे? ऑडियंस में आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? अच्छा आपकी तरफ आए हैं लाइफ लाइन। माइक पकड़ दो। चले जी ऑडियंस की तरफ आई है हमारी टीम बी। 14वां सवाल है। कश्मकश में है टीम बी। 9 और 8 का मुकाबला चल रहा है। सवाल है आपसे, किस पहाड़ के दामन में 170 अंबिया इस्लाम की कब्रें हैं? आपके ऑप्शन है कोहे तूर, जबले नूर, जबले अहद, जबले खंदेमा। आपका क्या मशवरा देना चाहेंगे आप इनको, अपनी टीम बी को कहां ले जाना चाहेंगे? जबले खंदेमा। बिल्कुल सही जवाब। कश में है दोनों टीम को देख सकते हैं आप। 9-9 पॉइंट पे है और आखिरी सवाल बाकी है। दोनों की लाइफ लाइन खत्म हो चुकी हैं। लाइफ लाइन दोनों की खत्म हो चुकी हैं। आखिरी सवाल बाकी है। देखते हैं जी क्या होता है। बहुत कश्मकश है। टीम ए की तरफ जा रहे हैं। टीम ए से है आखिरी सवाल। आवाम से पूछते हैं, आवाम को क्या लगता है। सारी दोनों टीमें एक ही जगह पे आ चुकी हैं। हाजी भाई आप क्या बताएंगे, क्या लगता है आपको? टाई लग रहा है। वकास भाई आपको क्या लगता है, टाई लग रहा है आपको भी? हमारे हाजी भाई और वकास भाई ने कहा है कि टाई हो सकता है मैच, और हमें भी लग रहा है कि शायद टाई हो जाए मैच, तो बहुत मजा आ जाएगा। ये पहला मैच होगा जो टाई हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ कह नहीं सकते। टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए अपना आखिरी सवाल गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, किस सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हजरत बिलाल, ऑप्शन नंबर बी हजरत हमजा, ऑप्शन नंबर सी हजरत उमर, ऑप्शन नंबर डी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी टीम ए का आखिरी सवाल है और क्या जवाब मिलता है। बहुत ही कश्मकश में है हमारी। ऑप्शन रिपीट करते हैं, हजरत बिलाल, हजरत हमजा, हजरत उमर, हजरत उस्मान। जी क्या जवाब मिलता है। 10 सेकंड्स रह गए हैं आपका वक्त खत्म होने में। 10, 9, 8, 7, 6 हजरत बिलाल। गलत जवाब। सही जवाब हजरत उमर। टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 15, और टाई नहीं हुआ है अभी भी। मैच में एक सवाल बाकी है और स्कोर है 9-9 पॉइंट्स। आपका आखिरी सवाल गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी का इंतकाल गज़वाए बदर वाले दिन हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उम्म कुलसूम, ऑप्शन नंबर बी रुकैया, ऑप्शन नंबर सी ज़ैनब, ऑप्शन नंबर डी फातिमा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी क्या जवाब मिलता है। बहुत ही सनसनी फैली हुई है हमारे माहौल में। बहुत ही टेंशन है।
क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी का इंतकाल गज़वाए बदर वाले दिन हुआ? आपके ऑप्शन हैं उम कुलसूम, ज़ैनब, रुकैया, फातिमा। आपका वक्त शुरू होता है अब। ज़ैनब। गलत जवाब, जवाब है रुकैया। माय गॉड, ओहो, टाइम ब्रेकर होने वाला है जी, तो जरा सा ब्रेक लेंगे, हम पिएंगे जी ठंडा ठंडा पानी जो है हमारी ड्रीम प्योर पाकोला का पानी है, पानी पीते हैं। टेंशन बहुत ज्यादा है हमारे कंटेस्टेंट से ज्यादा, होस्ट को टेंशन हो गई है क्योंकि अब एक ऐसा सवाल लेना है जहां से एक हमें विनर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, हमारी पब्लिक को भी पानी पिलाते हैं। पानी, टेंशन बहुत ज्यादा फैल गई है हमारी पब्लिक में, हमारे कंटेस्टेंट में, और खुद होस्ट भी बहुत टेंशन में है, तो पानी पीते हैं और आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अपना ट्राई ब्रेकर। एक एक सवाल होगा दोनों टीम से क्योंकि दोनों टीम बहुत मुश्किल मरहले पे है। टाई हो चुका है हमारा मैच, हमारा पहला मैच है जो टाई हो गया है, सेमीफाइनल बहुत कशमकश है। आपसे करेंगे पहला सवाल, आपका टाई ब्रेकर। आपका सवाल है, सवाल को गौर से सुनिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा के इस्लाम लाने की वजह कौन बना? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अबू लहब, ऑप्शन नंबर बी अबू जहल, ऑप्शन नंबर सी अबू सुफियान, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्ला बिन खदान। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा के इस्लाम लाने की वजह कौन बना? आपके ऑप्शन हैं अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, अब्दुल्ला बिन जदान। का वक्त रहता है 10, 9, 8, 7, 6, 5। हजरत अब्दुल्ला। गलत जवाब, और सही जवाब है अबू जहल। अब हम लोग टीम ए ने गलत जवाब दिया है और टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। टीम बी से पूछते हैं उनका टाई ब्रेकर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा, हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक किस कबीले से था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बनो उमिया, ऑप्शन नंबर बी बनो असद, ऑप्शन नंबर सी बनो जैरा, ऑप्शन नंबर डी बनो मखज़ूम। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या जवाब मिलता है हमें अपनी टीम बी की तरफ से? कौन सी टीम है जो जाती है फाइनल? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन है, हजरत खालिद बिन वलीद का ताल्लुक किस कबीले से था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बनो उमैया, ऑप्शन नंबर बी बनो असद, ऑप्शन नंबर सी बनो ज़ेरा, ऑप्शन नंबर डी बनो मखज़ूम। आपका वक्त खत्म होने में कुछ ही 10 सेकंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7। ऑप्शन आपने क्या बोला? बनो ज़ेरा। बनो ज़ेरा। गलत जवाब, और सही जवाब बनो मखज़ूम। जी टेंशन बहुत बढ़ती जा रही है, वक्त भी बढ़ता जा रहा है और दोनों ही हमारी दोनों टीम्स ने सही जवाब नहीं दिया है। आप करते हैं दूसरा सवाल। आपका सवाल है, सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। आपका सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हूर, ऑप्शन नंबर बी यजीद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला बिन जियाद, ऑप्शन नंबर डी आबिदुल्ला बिन जियाद। आपका वक्त शुरू होता है अब। देखते हैं जी, टेंशन बहुत ज्यादा है। अवाम को देखते हैं, अवाम को भी बहुत ज्यादा सनसनी फैली हुई है। अवाम पाकोला एंजॉय कर रही है, हमारी पाकोला पी रही है और टेंशन में भी है क्योंकि ऑप्शन रिपीट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हूर, ऑप्शन नंबर बी यजीद, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल्ला बिन जियाद, ऑप्शन नंबर डी आबिदुल्ला बिन जियाद। आपका वक्त खत्म होने में
10 सेकंड बाकी हैं, 10, 9, 8, 7, 6। यजीद गलत जवाब, सही जवाब है आबिदुल्ला बिन जियाद। टीम बी से करते हैं सवाल, अभी भी हमें टीम ए से कोई जवाब नहीं मिला है। टीम बी से सवाल है, सवाल को गौर से सुनेगा। फतेह खैबर के बाद किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हजरत सौदा, ऑप्शन नंबर बी हजरत सुफिया, ऑप्शन नंबर डी सी हजरत आयशा, ऑप्शन नंबर डी हजरत जैनब। आपका वक्त शुरू होता है अब जी। क्या जवाब? हजरत जैनब। सही जवाब। फाइनली फाइनली हमें अपनी फाइनल की टीम मिल चुकी है, टीम बी जीत चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपने बहुत अच्छा खेला, सेमीफाइनल तक गए, बहुत अच्छा खेला, बहुत खुशी हुई। लेकिन हमारी टीम बी जीत चुकी, बहुत एंड तक गया हमारा ये वाला सेगमेंट, क्योंकि टीम दोनों फंस गई थी, टाई पे था, लेकिन आखिर हमें एक विनर मिल ही गया। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये हमारी पहली फिनाले की टीम है। हमारी टीम बी को बहुत बहुत मुबारक हो। टेंशन बहुत ज्यादा थी आज, बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो टीम ए अफसोस हुआ बाहर हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा खेला आप लोगों ने, हमें लग रहा था फाइनल में है आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बहुत खुशी हुई, ये एक छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए, और एक ये तोहफा आपके लिए। भरपूर तालियां।